बॉयज़ और गर्ल्स कैंपस अलग अलग रखा है क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स का हमेशा अलग अलग ही होना चाहिए। वैसे तो इकट्ठे भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे तो इकट्ठे होते हैं और हम स्कूल लेवल्स पे भी इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन हमारे स्कूल वालों की है मर्ज़ी वो करें या ना करें। बॉयज़ बदतमीज़ होते हैं और लड़के, ये स्कूल वालों का फैसला है कि वो बॉयज़ और गर्ल्स इकट्ठे नहीं हो सकते। मेरे पास ये सबूत है, आप में से भी कोई एक बदतमीज होगा। हमारी मिडिल क्लास वैसे भी सोसाइटी है, वो इस बात को अच्छा नहीं समझती कि बॉयज़ और गर्ल्स इकट्ठा पढ़े। वैसे एज अ टीचर मुझे नहीं लगता इसमें कोई नुकसान है, इसके फ़ायदे ही हैं। बच्चे एक दूसरे से कम्पेटिटिव इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, बच्चे जो शरारतें करते हैं वो कम कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव चीज़ है, इसे प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। इस्लाम में है कि हमें लड़कों से पर्दा करना चाहिए और ये शरई पर्दा करना चाहिए, इसलिए अलग अलग होते हैं। क्योंकि जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो उनका माशरा अलग कर दिया जाता है, फिर उनको लड़कियों के साथ बैठाना अच्छा नहीं होता, इसीलिए कैंपस अलग अलग हो जाते हैं। लड़के अलग अलग हों तो उनको फ़ायदा होता है और लड़के सही पढ़ सकते हैं। बॉयज़ कैंपस अलहदा होगा तो बॉयज़ अपनी एक्टिविटीज़ नॉर्मली अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, जबकि अगर गर्ल्स का कैंपस उनके साथ होगा तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगी अपनी गेम्स खेलने में या अपनी डिफरेंट जो है एक्टिविटीज़ करने में, क्योंकि बॉयज़ ज़रा एग्रेसिव होते हैं, तो बीच में अगर गर्ल्स होंगी तो वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकेंगे प्रॉपरली। इकट्ठे कैंपस के फ़ायदे के लड़कियों के पास अपने आइडियाज़ होते हैं और लड़कों के पास अपने आइडियाज़, तो वो शेयर होके आइडियाज़ ज़्यादा मिल सकते हैं।